व्हाट इज अप गाइस, तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों के लिए फाइनली फिर से लेकर आ गया हूं टॉप 10 जियो कॉलर ट्यून, जो कि गाइस ये सारे ट्रेंडिंग पे अभी YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन के नंबर 1 पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग यहां पर सर्च कर रहे हैं एंड ये Instagram पे काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, बिकॉज ये वाली वीडियो हम लोग की सबसे ज्यादा आज तक की इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइस इस वीडियो पे मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो फटाफट से कंप्लीट करो। जिसी तरह कंप्लीट होते तो गाइस मैं फिर न्यू सॉन्ग को अवेलेबल कराने में लग जाता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। तो चलते वीडियो की तरफ। तो सिंपल सा गाइस, आप लोग को आ जाना फटाफट माय जियो एप्लीकेशन पे, उसके बाद यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को शो कर रहा होगा जियो ट्यून, तो इस पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। तो गाइस हमारा जो पहला कॉलर ट्यून है जिसका नाम है केसरिया, जो कि बहुत ज्यादा ये Instagram पे YouTube पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आप लोग को सिंपल सा गाइस यहां पर आप लोग को लिखना है केसरिया ऑडियो। यहाँ पर जो है इतना लिखने के बाद आप लोग को ये सॉन्ग फर्स्ट में ही शो कर देगा। एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर आ चुका है और ये ब्रह्मास्त्रा का सॉन्ग है, जो कि अभी यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पे नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसका एक छोटा सा क्लिप मैं प्ले करके सुनाता हूँ एंड डेफिनेटली गाइस आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप गाइस ये वाली क्वालिटी पहली वाली क्वालिटी मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बिकॉज गाइस इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट रखा है। अब चलते गाइस हम अपने सेकंड क्वालिटी की तरफ। सेकंड क्वालिटी गाइस लिटरली आप लोग सुनने के बाद फैन होने वाले, बिकॉज ये गाइस बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया मेरे Instagram पे एंड ये फाइनली गाइस ये सॉन्ग को मैंने अवेलेबल करा दिया। इसको अवेलेबल कराए हुए गाइस मुझे 2 से 3 दिन हुआ, ठीक है, और ये सॉन्ग बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। आप लोग इसको एक बार सुन कर देखो। तो इसका एक और पार्ट आने वाला है, जो कि इससे भी ज्यादा काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है, पसूरी का ही सॉन्ग है, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड कॉलर ट्यून की तरफ, जिसका नाम है सेम भीम, जो आप लोग ने गाइस सिद्धू मूसे वाला तो आप लोग जानते ही होंगे एंड बेचारे को मार दिया गया। तो गाइस सिंपल सा मैं आप लोग को सुनाता हूँ इनका एक सेम भीम का कॉलर ट्यून, जो आप लोग ने सुना होगा इनके सॉन्ग एंड ये वाला कॉलर ट्यून गाइस फाइनली अवेलेबल हो चुका है जियो ट्यून पे एंड काफी लोग इसको बहुत पहले से सेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को इसका छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ एंड इससे अभी और भी एक से एक कॉलर ट्यून है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहो। तो आई होप गाइस ये वाली कॉलर ट्यून भी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना। अब चलते गाइस हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और नेक्स्ट वाला कॉलर ट्यून गाइस ये वाला भी आप लोग ने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरा फेवरेट कॉलर ट्यून है एंड इसको मैंने काफी दिन तक सेट करके रखा था एंड ये एक अच्छा कॉलर ट्यून है, एक अच्छा वाइब आता है इसको सुनने में। तो अगर आप लोग इस सॉन्ग को सुनना चाहोगे तो यूट्यूब पर सर्च करके जरूर सुन लेना। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले करके सुना देता हूँ एंड डेफिनेटली आप लोग को पसंद आएगा। तो आई होप गाइस ये वाली भी कॉलर ट्यून आप लोगों को पसंद आई होगी एंड चलते फिर से हम अपने सिद्धू मूसे वाला का कॉलर ट्यून। तो गाइस ये वाला इनका कॉलर ट्यून मेरा सबसे आज तक का फेवरेट कॉलर ट्यून है, सॉन्ग है सॉरी, इनका आज तक का मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, जो कि मैं बहुत ज्यादा सुनता था, जिसका नाम है गाइस सो हाई एंड ये वाला कॉलर ट्यून आप लोग सुनने के बाद गाइस लिटरली फैन होने वाले। तो सिंपल सा आप लोग को सो हाई लिखना है, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर सुना देता हूँ। ये यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप लोग को ये सॉन्ग शो कर देगा। तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ एंड डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस जिसी तरह आप लोग यहाँ पर सर्च करते हो सो हाई, जो कि आप लोग सिद्धू मूसे वाला की ये सॉन्ग सुने होंगे एंड ये गाइस मैंने फाइनली अवेलेबल करा दिया है, क्योंकि इस सॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैं बता भी नहीं सकता। तो सिंपल सा आप लोग को सो हाई लिखने के बाद आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग को 2-3 शो करेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को चेक कर लेना है। तो ये वाला सॉन्ग यहाँ है, तो मैं आप लोग को इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ कि ये वाला सॉन्ग है भी नहीं, तो आप लोग सुन लो। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने ये वाला कॉलर ट्यून सुना, तो आई होप कि ये वाला भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और नेक्स्ट वाला कॉलर ट्यून का नाम है गाइस फायर क्रैकर, जो कि रियल में ये सॉन्ग गाइस फायर क्रैकर सॉन्ग है। तो इसके बारे में तो मैं कुछ आप लोग को बोलने वाला ही नहीं हूँ, बिकॉज ये वाला सॉन्ग ही खुद आप लोग को बताएगा कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है। तो सिंपल से आप लोग को फायर क्रैकर लिखना और ये सॉन्ग आप लोग को फर्स्ट या सेकंड में शो कर देता है। तो यहाँ पर इंग्लिश का भी सुना देता हूँ, दोनों सुना देता हूँ आप लोग को, इसमें से जो बेस्ट लगे आप उसको सेट कर सकते हो। I hear my heart go boom like a firecracker. Akhiyon mein ghumti hai bumblebee. I hear my heart go boom like a firecracker. तो
आई होप गाइस यहाँ पर मैंने दोनों सॉन्ग को सुना दिया, आप लोगों को इसमें से जो बेस्ट लगे आप उसको सेट कर सकते हो। अब चलते हैं गाइस यहाँ पर अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ। नेक्स्ट कॉलर ट्यून भी गाइस हम लोग को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ये ट्रेंडिंग पे चल रहा था अभी इंस्टाग्राम पे, आप लोग को शायद मालूम भी होगा। तो इसका भी सॉन्ग मैंने फाइनली अवेलेबल करा दिया, तो इसको भी मैं आप लोग को एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाता हूँ एंड डेफिनेटली गाइस आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये जर्सी मूवी का है जो कि अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था, मूवी रिलीज हुआ था, इसका भी एक छोटा सा सॉन्ग है जो कि मैं आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ, तो आप लोग सुनकर देखो। तो बढ़ते गए मैं अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और नेक्स्ट कॉलर ट्यून गाइज यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तगड़ा कॉलर ट्यून आने वाला। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से लिखना है अंबर से तोड़े, जो कि ये ट्रिपल आर का एक सॉन्ग था जो कि बहुत सारे लोग हम लोग ने मिलकर इस सॉन्ग को अवेलेबल कराया, बिकॉज ये वाला सॉन्ग अवेलेबल होने के लिए राजी नहीं हो रहा था, बट ये फाइनली अवेलेबल हो चुका है 2-3-4 पार्ट में, जो आप लोगों को सुनने के बाद गाइज बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगेगा, तो आप लोग सुनकर देखो। पर्सनली गाइज इसका जो बीजीएम म्यूजिक है 2-3 का, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है एंड इसको मैंने पर्सनली काफी दिन तक सेट करके रखे थे। अब बढ़ते गाइज मैं अपने नेक्स्ट कॉलर ट्यून की तरफ, और नेक्स्ट कॉलर ट्यून यहां पर निकल के आता है गाइज रोहित09 का, जो कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है। इनका सॉन्ग मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं गाइज, बहुत तगड़ा ये सॉन्ग है जो कि मैंने काफी दिन तक इस सॉन्ग को सुना था एंड लिटरली ये एक वायरल सॉन्ग है, तो आप लोग यहां पर इसको प्ले करके सुनाता हूं, आप लोग सुनकर देखो। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि ये इंस्टाग्राम के रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ही वायरल चल रहा था, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। तो गाइस मैं आप लोग को जाते जाते एक और कॉलर ट्यून सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है गाइस किन्ना सोना। तो यहाँ पर ये वाला कॉलर ट्यून ऑफकोर्स थोड़ा सा पुराना सॉन्ग है, बट ये सॉन्ग गाइस लिटरली नेक्स्ट लेवल का है, तो मैं आप लोग का इसका एक छोटा सा पार्ट प्ले करके सुनाना चाहता हूँ जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने हमारा टॉप 10 कॉलर ट्यून सुना, आई होप कि इसमें से 5-6 तो अच्छे लगे होंगे, ये मैं कह सकता हूँ इसमें सारे सॉन्ग आप लोग को अच्छे नहीं लग सकते हैं, बिकॉज इसमें से सारे सॉन्ग में से 5-6 तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अब लगातार वीडियोज आप लोग के लिए आती रहेगी। तो 1000 टारगेट जिसी तरह कंप्लीट करते हो तब जाके मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट कॉलर ट्यून लेकर आता हूँ, ठीक है। तो यही थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार जरूरी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।